बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं हकीकी न्यूज़ के साथ। चौदह अगस्त सन 1947 पाक सरजमीन वजूद में आई। बाबा कौम और उनके वफादार साथियों की तहरीक के बाइस के जिसमें लियाकत अली खान, राजा साहब महमूदाबाद और दूसरे साथियों ने इत्तेहाद के साथ अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। ये सब कामयाब इत्तेहाद की बदौलत हासिल हुआ। वक्त गुजरता गया और फिर तहरीक पाकिस्तान नाम नेहाद मुहिब वतन लोगों के हाथ आ गई। ये मुल्क फिर वो मुल्क न रहा जिसकी बुनियादों में पाक खून शामिल था। यहाँ तो कानून की नीलामी खुद कानून दानों के हाथों होने लगी। तहरीक पाकिस्तान में शामिल एक गयूर और बावकार कौम को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जाने लगा। नाम नेहाद इस्लामी ताकतों ने पाकिस्तान की बावकार कौम को दीवार से लगाने के लिए सरमाया मुहैया किया। इस सरमाए को लेकर सहाबा के नाम पर एक टोला जो शरीयत के मामले में अंधा भी था और बहरा भी, शियाने अली को कमज़ोर करने मैदान में आया। मगर हुआ क्या, इनकलाब इस्लामी के तरबियत याफ्ता फर्जंदान सामने आए। نداؤنا وهذا ما يجب ان يفهمه الامريكيون، الامريكيون لا يعرفون ماذا يعني لبيك يا حسين، يمرون عليه هيك انه شو يعني لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، قوم کی قیادت کو سنبھالا یہاں تک کہ خون میں نہلا دیے گئے। और आज सूरत हाल ऐसी है कि शिया पाकिस्तान में हर महाज पर मजबूत है। रोज़ाना जाने देने के बाद भी आज होशमंद और मामला फहम क़यादत के हाथों पाकिस्तान के किसी इदारे में हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ताकत नहीं। बात वहदत की हो तो हम बानियान इत्तेहाद भी हैं और बाइस इत्तेहाद भी। हिकमत अली इब्न अबी तालिब की बदौलत आज दुश्मन मुल्क को दीवार से लगा दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा क़यादत को तूले उम्र दे, पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आपकी दुआओं और ताउन के तलबगार खिदमत गुजार खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।